नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर फैक्ट्स और फिल्म आज हम डिटेली डिस्कस करेंगे एक रेयर वॉकिंग फिश के बारे में जो रिजेंटली ऑस्ट्रेलियन वाटर्स में एक्सपोर्ट हुआ था 22 साल के बाद 22 साल पहले भी साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर फिश का एक्सिस्टेंस कन्फर्म किया था अब जाके फिर से नेशनल साइंस एजेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया जिसका नाम है कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने इसका एक्सिस्टेंस फिर से कन्फर्म किया है कहाँ पर ताजमैन फ्रैक्चर मरीन पार्क में له, तो सबसे पहले आप टास्मैन फ्रैक्चर मरीन पार्क का लोकेशन एक बार देख लीजिए इधर आपको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट दिख रहा है इधर आपको न्यूजीलैंड दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया का सथेन पार्ट में ये जो दिख रहा है ना दोस्तों ये है टास्मानिया टास्मानिया इस पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये बात आपको पता होनी चाहिए टास्मानिया का साउथ वेस्टर्न कॉर्नर में ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये है टास्मैन फ्रैक्चर मरीन पार्क अब इस मरीन पार्क का नाम टास्मैन फ्रैक्चर क्यों है क्योंकि इस मरीन पार्क के अंदर फोर किलोमीटर डीप एक ओशियन ट्रेंच है जो साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ टैसमानिया में लोकेटेड इस मरीन ट्रेंच के अंदर काफी आपको मिलेगा, तो इथरी ये इतना डब्त में भी रह सकता है करके पहले ये ओपन वाटर्स में दिखता था साइंटिफिक नेम है इस फिश का लैटिन ब्रैकियम अब दोस्तों आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा एजेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया का नाम कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्यों है नहीं तो ये जो मरीन रिजर्व है इसका नाम टास्मान फ्रैक्चर कॉमनवेल्थ मरीन रिजर्व क्यों है देखिए एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि दुनिया में अभी भी ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं जो अपना हेड ऑफ़ द स्टेट ब्रिटेन क्यून क्यून विक्टोरिया को मानते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया कैनेडा हो गया कई सारे करीबियन कंट्रीज हो गए ये सारे अपना हेड ऑफ द स्टेट क्यून विक्टोरिया को मानते हैं वैसे हेड ऑफ़ द स्टेट को पावर्स वगैरह नहीं दिया हुआ है फिर भी नाम के लिए क्वीन विक्टोरिया इन सारे कंट्रीज का हेड ऑफ द स्टेट है देखिए रिसेंटली आपने एक न्यूज सुना भी होगा एक करीबियन कंट्री है बारबाडोस ये लेटेस्ट रिपब्लिक बन गया है तो बारबाडोस ने अपना हेड ऑफ द स्टेट में से क्वीन विक्टोरिया को निकाल दिया था तो वैसे कोई भी कंट्री निकाल भी सकते हैं पर ऑस्ट्रेलिया कैनेडा जैसे कंट्रीज नाम के लिए अभी भी हेड ऑफ द स्टेट क्वीन विक्टोरिया को मानते हैं इसलिए ऑस्ट्रेलिया में कैनेडा में जितने भी एजेंसीज वगैरह ना उसमें आपको रॉयल नहीं तो कॉमनवेल्थ जैसा शब्द मिलेगा ठीक है अब दोस्तों फिश के बारे में बात करते हैं इस फोटो में आप देख सकते हो इस फिश का हैंड लेग स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी सहायता से ये सी फ्लोर में चलते हैं सिंग्स इस अक्वाटिक क्रीचर विच इज ए पार्ट ऑफ द एंग्लर फिश फैमिली वॉज हार्डली सीन साइंटिस्ट थॉट दैट इट्स इज एट रिस्क देखिए दोस्तों वैसे 22 साल पहले ये स्पोर्ट हुआ था अब 22 साल के बाद ये स्पोर्ट हुआ है वो भी एक ट्रेंच के अंदर इतने डीप एरिया में एंड सब्सिक्वेंटली इसको एक एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है क्योंकि 22 साल बाद ये स्पोर्ट हो रहा है ना इसकी जो एक्सिस्टेंस है ये थ्रेट में होगा इसलिए इसको एंडेजेड कैटेगरी में डाल दिया गया है टैसमैन फ्रैक्चर मरीन पार्क इज नॉन फॉर अ डीप फ्रैक्चर इनसेड द अर्थ क्रस्ट ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी टैसमैन फ्रैक्चर मरीन पार्क के बारे में ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है ठीक तो है देखिए दे हैव स्किन कवर्ड विद डेंडिकल्स विच गिव दम एन आल्टरनेट नेम कॉर वॉटी एंग्लेस दे आर स्लो मूविंग फिश तो इन्हें वाटी एंग्लेस भी बोलते हैं क्योंकि इनकी स्किन में कई सारे इस तरह की डेंडिकल्स हैं राइट तो दोस्तों फाइनली टास्मानिया के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलियन मेन लैंड को छह भागों में डिवाइड किया हुआ है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया नॉर्थन टेरिटरी क्यूनजलैंड साउथ ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स कैपिटल टेरिटरी एंड विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न साइड में आपको दिख रहा है ग्रेट बैरियर रीफ ग्रेट बैरियर रीफ के कॉरल्स धीरे धीरे रिकवर हो रहा करके मैंने एक वीडियो रिजनली बनाया था अब हर्शी द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वैसे दोस्तों देखिए ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न साइड में इंडियन ओशन आपको दिख रहा है ईस्टर्न साइड में आपको पैसिफिक ओशन दिख रहा है नॉर्थर्न साइड में टिमोर सी है एंड सथर्न साइड में आपको दिख रहा है एक आइलैंड स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो है टास्मानिया टास्मानिया को सरोन करते हैं टास्मैंड सी आप देखिए टास्मानिया बेसिकली एक आइलैंड स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड से 240 किलोमीटर साउथ में स्थित है टास्मानिया अब ऑस्ट्रेलियन मेलन एंड टाजमानिया को डिबेट करने वाला एक स्ट्रेट है इस स्ट्रेट का नाम है बास स्ट्रेट ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है ये ट्वेंटी सिक्स लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड है एंड इट इज सराउंडेड था। बाई थाउजेंड आइलैंड देखिए टाजमानिया का आसपास में कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आपको दिख रहा है टोटल काउंट है थाउजेंड मतलब थाउजेंड के आसपास छोटे छोटे आइलैंड्स टाजमानियन आइलैंड के आसपास में हैं द मेन आइलैंड वॉज इन्ेबिटेड बाई अबोरिजिनल पीपल फॉर अपू फोर्टी थाउजेंड ईयर्स बिफोर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो इंडिजिनाइज या फिर नेटिव पीपल का नाम आप बोल सकते हो अबोर्जिन ये मैंने काफ़ी बार आपको बताया है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से पहले चालीस हजार साल तक टास्मानिया को अबोरिजिनल पीपल इन्ेबिट करते थे एंड ऐसे विश्वास करते हैं अबोरिजिनल औरजिनल टास्मानियंस मेन लैंड से ग्यारह हजार सात सौ साल पहले अलग हुए थे जब बास ट्रेट में सी लेवल राइस हुआ था तो दोस्तों एंड ऑफ इट। आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा ये टॉपिक प्रिलिम्स की पर्सपेक्टिव में वेरी इंपॉर्टेंट है नोट्स बना दीजिएगा लेक्चर की पीडीएफ एस सोशल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई बाई डे